ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नवग्रह होते हैं, नौ ग्रह। उन नौ ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव रहता है, यानी कि कह सकते हैं कि हमको अपने जीवन में जो भी लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख जो भी प्राप्त होते हैं, इन नौ ग्रहों के ही कारण हमको सब प्राप्त होता है। तो हमने यह सोचा कि बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो जिनके दिल में बहुत भक्ति भाव रहता है, और वो इन अगर उनकी कुंडली में कहीं कुछ ग्रहों की स्थिति खराब है तो वो इन ग्रहों के मंत्रों का जाप करने की मतलब करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने यह पाया है कि वह अज्ञानतावश इनका जो उच्चारण है वो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि रह जाती है उनके द्वारा उच्चारण के समय। तो क्या है कि अगर उच्चारण के समय इन मंत्रों के कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका सारा मतलब चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अभी हम आपको आप कह रहे हैं, अभी हम तू कहें तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसका मीनिंग बदल गया। इसी प्रकार कहीं भी कोई शब्द के उच्चारण में अगर त्रुटि रह जाती है तो मतलब बदल जाता है, और जब मतलब बदल जाता है मंत्र का तो उसका हमको लाभ प्राप्त नहीं होता। हम यह कहना चाह रहे थे आपसे। तो इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर इसीलिए आए हैं कि ताकि हम मंत्रों का उच्चारण करके आपको बता सकें, ताकि आप भी हमको देख करके इसी प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करें और कोशिश करें कि पूर्ण रूप से उच्चारण भी सही हो और शब्द जो आप बोल रहे हैं मंत्र में वो भी सही बोलें। तो सबसे पहले जो राहु ग्रह हैं इनका बीज मंत्र और लघु मंत्र दोनों का हम एक एक करके आपके सामने उच्चारण करेंगे मंत्रों का। सबसे पहले आपको बीज मंत्र का बताएंगे। तो आपके सामने उच्चारण कर रहे हैं हम बीज मंत्र का राहु के। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। यह मित्रों बीज मंत्र है राहु ग्रह का। अब आपको लघु मंत्र का उच्चारण करके बताते हैं। ओम राम राहवे नमः। यह मित्रों लघु मंत्र है राहु ग्रह का। तो यह दोनों मंत्र हमने आपको उच्चारण करके बताए हैं। आपको जो भी इसमें से अच्छा और सरल लगता है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका फल ज़्यादा मिलेगा, इसका कम मिलेगा, दोनों का बराबर मिलेगा, दोनों एक ही जैसी चीज़ है। आप अपनी आसानी और अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। और इन मंत्रों को जो करने का संख्या कितना करना चाहिए वो कम से कम 18,000 मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। और यह जो मंत्र हैं इनको करने का जो समय बताया गया है वह रात्रि काल में बताया गया है। और रात्रि के समय जब आप करते हैं इन मंत्रों का जाप तो आपको दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना है। नीले रंग के आसन पर या कोई नीला वस्त्र बिछा लें, उस पर बैठें। अब राहु से संबंधित ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनको दान आप कर सकते हैं? तो मित्रों वो है कंबल या फिर नीले रंग के वस्त्र या तिल या तेल, इस प्रकार की चीज़ें आप राहु से संबंधित दान कर सकते हैं। और अगर अब मित्रों आपके कुंडली में भी कहीं राहु का प्रभाव आपके जीवन में खराब मिल रहा है, दुष्प्रभाव मिल रहे हैं राहु ग्रह के कारण, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि राहु के लिए और ऐसे क्या उपाय हैं जो करके आप उन दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो मित्रों यह था राहु ग्रह के लिए मंत्रों का उच्चारण जो करके बताया हमने, और कैसे करना है इसकी विधि भी आपको समझाई, कितने करने हैं यह भी समझाया। हमें आशा है कि यह जो हमने आपको अभी बताया है राहु ग्रह के मंत्र आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको पसंद आए हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।